प्रकृति के सानिध्य में मैं जब थोड़ी सी देर ध्यान में बैठी तो मुझे लगा कि जिधर भी हम नजर करें, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, लोगों के पास बुद्धि है, मनुष्य ही एक ऐसा है जो बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है, बाकी तो कोई विचार नहीं करता। तो विचार किया कि इस दुनिया में जहां जहां तक हमारी नजर जाए, हम जिस भी जीव को देखें, वो सब इस धरती पर आने के बाद आनंद ले रहे। मानो कोयल को देखो गा रही है, मोर को देखो नाच रहा है, आप भौरे को देखो गुनगुना रहा है, नदियों को देखो अपने सागर तक मिल रही है, अपने मूल की तरफ दौड़ रही है, पुष्प को देखो मुस्कुरा रहे हैं, हर एक जीव को, हर एक प्रकृति के तमाम साधनों, किसी को भी देख लो, पूरी प्रकृति मुस्कुरा रही है, प्रकृति में रहने वाले जीव मुस्कुरा रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, सब जिंदगी को समझ रहे हैं, सब जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जीवन को ढो रहा है। आप सोच के देखिए, और जबकि उसी के पास बुद्धि है, बाकी किसी के पास बुद्धि तो है भी नहीं, फिर भी वो आनंदित है, और इसके पास बुद्धि होकर के भी ये रो रहा है। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा है, जिंदगी बताए क्या है जिंदगी, और जिंदगी जीकर भी समझ न पाए कि क्या है जिंदगी, कष्ट क्या, आनंद क्या, दुख की व्यथा है जिंदगी, संवेदनाओं के नगर में क्यों रमी है जिंदगी, खून के संबंध से भी क्यों कटी है जिंदगी, क्यों कुछ समझ में आता नहीं है ये पहली जिंदगी, और है कभी दुश्मन कभी लगती सहेली जिंदगी। कभी लोग जीना चाहते हैं, कभी ऐसा सुख आ गया, ऐसा आनंद आ गया कि जीने के लिए बस ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी जिंदगी को मैं जीना चाहता हूँ, कभी एक पल में मुरझा करके कहते हो ऐसे जीवन से मृत्यु भली, कारण क्या है? कितने लोग फांसी के फंदे पर झूलते देखे हैं, कितने लोग जहर खाकर मृत्यु को गले लगाते देखे हैं, कितने लोग संतानों के लिए प्रार्थना करते देखे हैं और कई बार उन्हीं संतानों से दुखी होकर घर छोड़ते देखे हैं। आप चिंतन करिए, आप सब बुद्धिमान हैं, आपके पास बुद्धि तत्व दिया है परमात्मा ने, मुझे दिखा, मुझे जब सारी प्रकृति लगी तो मैंने कुछ लाइनें लिखी कि कोयल को राग सी, भवरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। कैसी कैसी लगती है, थोड़ा सा चिंतन करना, हिंदी के शब्द हैं, समझ। कोयल को राग सी, भवरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी, चिड़िया को चहकती सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी, सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, मछली को सरिता सी लगती है जिंदगी, और चकोर को शशि सी, पुष्प को हसी सी, पर इस मनुष्य को फसी सी लगती है जिंदगी। केवल एक ये मनुष्य मैंने देखा है कि जब घर होगा तो पूरी तरह घर में नहीं होगा, घर में रह के दिमाग चलेगा आज दुकानदारी ठीक नहीं चली, आज इतने ग्राहक लौट गए, आज बिजनेस में लॉस हो गया, आज उसने झगड़ा कर लिया, आज ऐसा हो गया। आप सोच के देखिए, आप खुद बैठे हुए घर में रह के घर में नहीं है, व्यापार में रह के व्यापार में नहीं है, दुकान पर रह के दुकान में नहीं है, कथा में रह के कथा में नहीं है, मंदिर में रह के मंदिर में नहीं है, तू है कहाँ? जहाँ होना चाहिए वहां नहीं है, और इसीलिए दुखी। ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है कि आप जीवन में जो कार्य करते हो उस कार्य में पूरी तरह मुस्कुराहट के साथ तल्लीनता से जुड़ के लग जाओ, आपकी वही सबसे बड़ी भक्ति है। जब भोजन करने बैठो तो पूरी तरह भोजन करो, भोजन के बीच में और कुछ भी नहीं। जब सोने जाओ तो पूरी तरह सो जाओ, जब कथा सुनो तो पूरी तरह कथा के हो जाओ, और जब व्यापार करो तो पूरी तरह व्यापारी बन जाओ, जब जो कार्य कर रहे हो पूरी तरह पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे ध्यान के साथ उस कार्य को करना ही भक्ति कहलाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते कर्म ही पूजा है। आज माला फेर रहे, राम राम राम, अरे देख ये कुत्ता आ गया, राम 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 राम, अरे बहू संभाल अपने छोरा को, राम न राम के पास हो न घर में हो। इसलिए मैंने शुरू में कहा आपकी उथल पुथल को देख के एक तरफ हो जाओ ना, कहीं के तो हो जाओ, काम छोड़कर आओ,
और फिर भी यहाँ राम के पास आओ और शरीर ही शरीर रह जाए, मन कहीं चक्कर काटे तो फिर बेकार की बात है। न राम के हुए न काम के हुए, अब तो दोनों ही तरफ से घाटा ही घाटा। इसलिए मैं कहती हूँ कि चाहे आप कुछ भी करो, दुनिया में कोई कार्य पाप और पुण्य नहीं होता, पर उस कार्य को करने के पीछे आपका उद्देश्य कैसा है यही उस कार्य को पाप और पुण्य बनाता है। मैंने कहा ना कि प्रेम है तो महलों की क्या जरूरत है, प्रेम तो कुटिया में भी फूल खिला देता है। लोग महलों में भी दुखी है क्योंकि प्रेम हमारे पास नहीं है। सुख आपको पत्नी नहीं देखी, सुख आपको पति नहीं देगा, सुख आपको बच्चे नहीं देंगे, सुख माता पिता नहीं देंगे। सुख और आनंद अपने स्वभाव का विषय है। आप अपना स्वभाव कैसा बनाते हैं, आपका स्वभाव क्या करता है, आप अपने को देखते कैसे हैं, यही आपके जीवन की शैली बन जाती है। मैं कहती हूँ आप कुछ मत सीखिए, कम से कम जीवन में जीना सीख जाइए, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर। और ये मुलाकात कर ली थी शबरी में। मन नहीं लगता है संसार में तो क्या करें, छोटी सी बालिका है। संसार में मन नहीं लगता तो घर वालों ने सोचा कि चलो विवाह कर देते हैं, विवाह ही एक समाधान है। कई बार बेटा नहीं पढ़ता तो माता पिता कहते कम से कम 10वीं तो पास कर ले, शादी हो जाएगी। अब शादी हो जाए इसके लिए पढ़ रहे, क्या सोच है। कई बार लड़का आवारा हो गया, बेटा आवारा हो गया, घूमता है बेकार की बातों में पड़ गया, तो माँ क्या बोलती है, ऐसा करो इसकी शादी कर दो, कोई आएगी तो ये सुधर जाएगा। और यहाँ शास्त्र कहते कि सुधरे हुए की शादी करो, और माँ कह रही है कि बिगड़ गया तो शादी कर। कितना अंतर है। और जो बिगड़ा हुआ गृहस्थ में प्रवेश हुआ वो अपनी भी जिंदगी बिगाड़ेगा और जो आया है उसकी भी जिंदगी बिगाड़ेगा। जो अपनी जिंदगी संभाल नहीं सकते वो दूसरों को क्या संभाले। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो स्वयं नहीं मुस्कुरा पाता वो दूसरों को हंसी क्या दे सकता है, हंसाएगा क्या औरों को पुष्प जो स्वयं खिलता नहीं, जलाएगा क्या औरों को दीप जो स्वयं जलता नहीं। और वो दुनिया को संभालेंगे कैसे जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं। माँ कहती है अब ये बिगड़ गया है शादी कर दो। बहुत सारी माताएं मैंने ऐसे देखी है वो सुधार देगी, शादी कर दी, ये तो बिगड़ा पहले ही था तो ये तो बिगड़ता ही रहेगा। अब माँ आते ही कहती है ये बहू की वजह से बिगड़ गया, मेरा छोरा तो बहुत सुधरा हुआ था। यदि तुमने सुधारा होता तो पूरे जीवन ये बिगड़ता ही नहीं। कैकई ने बचपन में सुधार दिया था भरत जी को, बचपन में संस्कार दे दिए थे और कैकई की बुद्धि बिगड़ गई, पर भरत की बुद्धि बिगड़ी नहीं, क्योंकि बचपन के संस्कार ही बहुत मजबूत होते हैं। बचपन में जो संस्कार मिल गए वो बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए अधिकतर मैं कार्य बच्चों पर ही करती हूँ, बाल संस्कारों के माध्यम से, कि बच्चों को यदि आप बचपन में जैसा सिखा दोगे, कोरा कागज है ये, जो लिख दोगे वही लिख जाएगा, जो सिखा दोगे वही सीख जाएंगे। ये बड़े बड़े तो पक्के घड़े हो चुके हैं। इसलिए युवाओं को तो मैं केवल जगाने का प्रयास करती हूँ कि जाग जाए ये जो सो रहे हैं, बाकी निर्माण तो बचपन में होता है। अब तो आप जो निर्माण होना था हो चुका, अब तो केवल जागृत हो जाए, अंदर से आपकी अवस्था जाग जाए, उतना ही है। बचपन में ही शबरी प्रेम में मग्न होकर परमात्मा की भक्ति में लग गई थी। संसार में मन नहीं लगता, भक्ति की तरफ दौड़ रही है, तो शबरी के घर वालों ने कहा कि चलो इसकी शादी कर दो। शादी की तैयारियां होने लगी, माँ इसके बाल कंघी करने लगी, बाल सवारने लगी। कहती है माँ आज तुम मेरा बड़ा श्रृंगार कर रही हो, आज मुझे बड़ा सवार रही हो। तो माँ कहती है आज तेरी शादी है, जिसको विवाह का मतलब भी नहीं पता उसकी शादी। इस देश में बाल विवाह भी बहुत होते आए, और यहाँ तक कि गर्भ में ही विवाह हो जाते थे।
एक ऐसा भी समय था कि दो सहेलियां गई गंगा स्नान के लिए, दोनों में मित्रता हो गई। बहुत जल्दी मित्रता भी हो जाती है माताओं में और बहुत जल्दी टूट भी जाती है। तो मित्रता हो गई, हाँ बहन तुम भी गर्भवती, मैं भी गर्भवती, तुम्हारे यदि बेटा हो जाए मेरे बेटी हो जाए, या तुम्हारे बेटी हो जाए मेरे बेटा हो जाए, तो दोनों का विवाह कर देंगे। ठीक है, आज से विवाह पक्का, या गंगा जी के घाट पर विवाह पक्का हो गया। और समय आने पर एक को बेटी हो गई, एक को बेटा हो गया। और यदि किसी कारण से वो बेटा जन्मते ही चला गया, जन्मते ही शरीर उसका छूट गया, तो वो बेटी जन्म से पहले या जन्म लेते ही विधवा हो जाती थी। ऐसी ये परंपराएं हैं, ऐसे लकीर के फकीर हम बन गए। कहा शादी कर दो, इसने कहा वहां शादी क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं। अरे तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। भील कौल जाती थी, शबर जाती थी, तो एक कमरा पशु पक्षियों से भर दिया, क्योंकि बलि दी जाएगी विवाह में। इस देश में ऐसी ऐसी परंपराएं बना दी भगवानों को प्रसन्न करने के लिए। तो बलि दी जाएगी, विवाह तब होगा। तो इसने वो फड़फड़ाते हुए पक्षियों को देखा कि ये और मैं एक ही तरह से हैं, ये भी फड़फड़ा रहे हैं और मैं भी फड़फड़ा रही हूँ। ये भागी वहां से अपनी जान छुड़ा करके और वो दरवाजा खोल दिया जहां पर ये पक्षी बंद थे, और सारे पक्षी उड़ गए। और वो उड़ते हुए पक्षी मानो कह रहे हैं, शबरी आज तुमने हमें मुक्त किया है, परमात्मा तुम्हें मुक्त करेगा। अब ये चली गई जंगल जंगल घूमने लगी, एक आश्रम मिला। एक आश्रम के बाहर लोगों ने इसे रोक दिया, तुम आश्रम में नहीं जा सकती हो, छोटी बालिका है अभी, क्योंकि आश्रमों में स्त्री नहीं जा सकती। कुछ ऐसी परंपराएं जिनका कोई मूल नहीं था। तो ये बेचारी बाहर ही सिसकती रही, मन में पूछा परमात्मा से, मैं करूं तो करूं क्या, मैं सेवा करना चाहती हूं, मैं भक्ति करना चाहती हूं, पर संसार करने ही नहीं देता, तो मैं करूं क्या। तो मन में भाव आया कि तुम सेवा करो, लेकिन ऐसे समय करो जब पता भी न चले, आश्रम में सब सो जाएं, तो ये शबरी सेवा करने लगी जाए। हवन की संविधा ला कर रख दे, सबको झाड़ू बुहार करके पुष्प ला कर रख दे, सारी तैयारियां कर दे, दीप जला दे और तुरंत बाहर चली जाए। सब जब ब्रह्मचारी सो करके उठे तो देखें सारा आश्रम व्यवस्थित है, ये सेवा कौन कर रहा है। सेवादार तो दिखता नहीं पर सेवा हो दिखती है, ये रोज इसी क्रम में करने लगी। तब पूछा आचार्य ने वहां के, देखो पता लगाओ ये कौन कर रहा है। तो एक दिन एक आचार्य ने उसको पकड़ लिया कि कहां से आई हो तुम, कौन हो, क्या है, चलो गुरुजी के पास। अब गुरुजी के पास ले गए। गुरु कौन है? मतंग ऋषि। गुरुजी के पास लेकर गए, वो थरथरा रही थी, वो कांप रही थी। गुरुदेव मेरी भूल क्या है, मैं तो सेवा करना चाहती हूँ बस। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इसने कहा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं तो बस इस आश्रम में रहकर सेवा करूं और परमात्मा की भक्ति करूं, पर ये मुझे रहने नहीं देते। तब मतंग ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम यहाँ रह सकती हो, क्योंकि पिता के घर बेटी को रहने में कोई समस्या नहीं है।